हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो। अभी कनाडा में बहुत सारी होटल जॉब्स ओपनिंग से लगभग 2 लाख से ज़्यादा ओपनिंग है। सो अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट बात यह है कि होटल इंडस्ट्री में फ्रेशर्स को भी जॉब मिलता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऐसे डिश वॉशर, किचन हेल्पर, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, इन सब में काम कर सकते हो। होटल्स में और भी बहुत सारी डेजिग्नेशंस रहती है, जैसे आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बारटेंडर, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, इवेंट मैनेजर, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशंस रहती है। सो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी डेजिग्नेशन आपके प्रोफाइल के हिसाब से सूट करती है, आप उसके हिसाब से अप्लाई करना चालू कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है जॉब लेना इधर, या फिर आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का अनुभव है तो आप वो अनुभव दिखा सकते हो, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपको ऐसे फ्रेशर भी जॉब मिल सकता है। ऐसे फ्रेशर जॉब लेने में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, बट ऐसे फ्रेशर भी आपको जॉब तब मिलेगा जब आप अपनी प्रोफेशनलिज्म दर्शा पाते हो वाया योर CV एंड कवर लेटर। होटल इंडस्ट्री में अगर आप कोई छोटे मोटे जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको IELTS देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। अब मान लीजिए अगर आप कोई 5-star प्रॉपर्टी, 3-star प्रॉपर्टी में वर्क कर रहे हो तो देर से प्रोबेबिलिटी कि आपको IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ जाए, और IELTS में भी आपको 5 band भी होगा तो भी आपका चांसेस अच्छे हैं। बाकी हर जगह IELTS नहीं पूछा जाता है। देखिए, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हो तो IELTS 100% इम्पॉर्टेंट है। या आप अपर मैनेजमेंट लेवल पे जा रहे हो, जैसे सुपरवाइज़र, मैनेजर, इस टाइप की पोजीशन में जा रहे हो या टीम लीड की पोजीशन में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको IELTS देना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या एकदम बिगिनर लेवल के कोई भी काम में जा रहे हो तो आपको IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। कुछ रेस्टोरेंट्स बोलते हैं कि हमें IELTS मैंडेटरी है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स बोलते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, IELTS लगे या ना लगे, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि आप जिस नेशन में जा रहे हो वहाँ पर सभी इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती और मैं वहाँ पे जाके काम कर पाऊँगा, तो आंसर है नहीं, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दो अगर नहीं आती है तो। एजुकेशन आपकी 10th से ज़्यादा होनी चाहिए तो आपको आसान हो जाता है। 8 pass लोगों का भी जॉब लगता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब काफ़ी लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या सच में इतनी जॉब वैकेंसीज रहती है? यस, हमेशा ही जॉब वैकेंसीज रहती है। ओवरऑल 1 million से ज़्यादा हमेशा ही जॉब वैकेंट रहते हैं जो फिल नहीं कर पाते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट। और जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई उसके बाद और भी ज़्यादा वैकेंसीज रहती है। और कैनेडा में रहने वाले 20% लोग से ज़्यादा इमिग्रेंट्स है जो वहाँ की बहुत सारी जॉब वैकेंसीज को फिल करते हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन के बाद वो वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से अभी आपको और ज़्यादा वैकेंसीज मिल रही है। तो अगर आप ये मौके का फ़ायदा उठा पाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपको कनाडा में सही में जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले चाहिए एक हाई क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर। जब तक आपके पास वो नहीं है आप कहीं पर भी जॉब नहीं ले पाओगे। दोस्तों, आपको जो हायर करने वाले हैं उनको भी अपने नेशन में बताना पड़ता है कि हमें कोई भी नहीं मिल पाया इस डेजिग्नेशन के लिए कनाडा में, इसी वजह से हम कनाडा से बाहर देश में हायर कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। यूजुअली LMIA की प्रोसेस में 2 से 3 महीने लगते हैं, कभी कभार 4-5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एम्प्लॉयर्स रहते हैं जो आपको प्री अप्रूव्ड LMIA भी दे सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, शिकागो पिज़्ज़ा, लाइकवाइज। जो आपको जनरल प्रोसेस में 2 से 3 महीने लग रहे थे LMIA के थ्रू, वही प्री अप्रूव LMIA के थ्रू
आपका 2 से 3 हफ्ते में ही वर्क परमिट बन जाता है। ये इसलिए पॉसिबल होता है कि ये जितने भी मैंने एम्प्लॉयर्स का नाम लिया, ये बहुत ही बड़े एम्प्लॉयर्स है और हायरिंग करते ही रहते हैं, मल्टीपल नेशंस में ये ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से कनाडा सरकार ने इनको प्री अप्रूव्ड LMIA भी दे के रखा है। एंड गाइस, अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री या रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब खाने का, रहने का, आपकी फ़्लाइट की टिकट, वर्क परमिट कॉस्ट और भी जो छोटे मोटे कॉस्ट रहते हैं जैसे मेडिकल कॉस्ट, वो सारा आपकी कंपनी ही आपके लिए उठा लेती है खर्चा। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्री अप्रूव वर्क परमिट है वो हर इंसान को नहीं मिलता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या रेलेवेंट डिग्री हो तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं, और अगर आप कोई बड़े एम्प्लॉयर को पकड़ते हो तो आपके लिए और भी बेहतर चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई 3-star 5-star प्रॉपर्टी में लगता है या कोई बड़े एम्प्लॉयर के साथ जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, तो आपको चांसेस है कि कंपनी ही आपके फ़्लाइट की टिकट और सारी चीज़ का खर्चा उठा ले। अब बात करते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। आप अगर कनाडा में छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आप एटलीस्ट 1,80,000 तो कमाओगे ही। यूजुअली हर काम में आप 2 लाख से ज़्यादा महीना कमा सकते हो। अगर कैनेडियन डॉलर्स की बात किया जाए तो 3,000 Canadian dollars पर मंथ एंड मोर। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा रहता है एक हाई क्वालिटी का CV कवर लेटर, और फिर राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना चालू कीजिए, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से रिज़ल्ट आ ही जाएगा। अब सही प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? मेरी नज़र में 2 सही प्लेटफॉर्म्स है, LinkedIn एंड Facebook ग्रुप्स। यहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर रही है, आपको कहीं ना कहीं बेटर रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। एंड यस, आपको हर एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि आप कनाडा आके काम करो। सो आप 100 जगह पे अप्लाई करोगे तो आपको 15-20 जगह पे ही बेटर रिस्पॉन्सेस आएंगे, पर आपको एक ही जॉब चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको कहीं से इंटरव्यू का कॉल आता है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये छोटा मोटा काम है तो मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गूगल कीजिएगा क्या है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिएगा। बेटर तरीके से जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल पाते हो। एंड यस, इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आप जिस देश में जा रहे हो वहाँ पर सभी इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लास लगवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं रहता है, आप शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़िए, आप खुद से मेहनत कीजिए, आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको जॉब मिलने में जनरली 2 से 5 महीने लगते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स को अप्लाई करते जाते हो तो। अब अगर आप खुद मेहनत नहीं करते हो, आप सोचते हो कि हम एजेंट को पकड़ लेते हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पकड़ लेते हैं, तो कनाडा में जॉब लेने के लिए वो कम से कम 12 लाख मांगेंगे आपसे, कुछ कुछ केस में तो आपसे 20-25 लाख भी मांगते हैं। दोस्तों, आप मेहनत नहीं करोगे, एजेंट्स को पैसा दोगे तो उसमें पहली चीज़ तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा, पैसे तो आपको वापस मिलने से रहे, और आपकी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो भी कहीं चली जाएगी। इसलिए आप खुद से ही ट्राई कीजिए। मैं अपने वीडियोस में इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप खुद से जॉब ले सकते हो, और काफ़ी लोगों ने लिए हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रोज़ पिंग करते हैं और बताते हैं कि हमें माल्टा में जॉब लगा, पोर्चुगल में जॉब लगा, कनाडा में जॉब लगा, USA में जॉब लगा, UK में जॉब लगा। तो आपको क्यों नहीं लग सकता सर? आपका सिर्फ एक ही सिनेरियो में जॉब नहीं लगेगा जब आप अप्लाई ही नहीं करोगे। काफ़ी लोग हैं जो सोचते ही रह जाते हैं और कभी जॉब अप्लाई करना चालू भी नहीं करते। आप अप्लाई कीजिए, कुछ महीने दीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट स्टेप रहता है हाई क्वालिटी का CV कवर लेटर, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, आज से ही आप अप्लाई करना चालू कीजिए। और अगर नहीं है या आपको डाउट है तो आप मुझसे रिव्यू करवा सकते हो, और अगर बनवाना है मुझसे तो आप वो भी करवा सकते हो।
सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी टाइप के और वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना अब्रॉड में सेटल होने का सपना पूरा कर पाए। दोस्तों, मैं हूँ मयंक और इंटरनेशनल करियर प्लानर में आपका स्वागत है।